मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज नया टॉपिक लेकर आया आपका सामने है, ब्लास्ट फर्नेस जोन्स है। ब्लास्ट फर्नेस में जोन्स है, कितना टेम्परेचर में ये जोन बनता है मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने आया है, देख लीजिएगा। एक्चुअली देखिए, फर्नेस में जोन्स शिफ्ट होता है अपना टेम्परेचर प्रोफाइल का अनुसार है। अभी उसमें ये जो जोन्स मेंटेन होता है टेम्परेचर का साथ मेंटेन होता है। इसका मतलब है कि अपना मेन है पन्नेस में रॉ मटेरियल है क्या क्या चार्जिंग कर रहा है ये सब अब देख रहे हैं। रॉ मटेरियल हम लोग चार्ज करता है आयरन वोर है। आयरन वोर का रिलेटेड जो मटेरियल है अपना हेमटाइट आयरन वोर है। हेमटाइट आयरन वोर आप जो फर्नेस में दे रहे हैं वो पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होके लास्ट में आपको मिलेगा एफी मेटालिक रूप में। अभी रिडक्शन प्रोसेस में ये मिलेगा, उसके बाद है आपको 100% जो लिक्विड मेटल है मिलेगा टैप होल्ड से अपना पिगेरन प्रोडक्ट है। मतलब है अभी इसमें हम लोग का जो रॉ मटेरियल है आयरन वोर है चार्ज कर रहे हैं। ये चार्ज करने से अपना प्रोसेस कन्वर्शन का थ्रू है टैप होल्ड से आपको पिगेरन मिलेगा। मतलब पिगेरन में मतलब है मैक्सिमम एफई टोटल। एफई टोटल मतलब है 92-95% आपको एफई टोटल मिलेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है। अभी अपना पन्नेस में चार्ज किया इसको थर्मल ये चाहिए। थर्मल मतलब हम लोग के फ्यूल देना पड़ेगा। फ्यूल मतलब है उसमें कार्बन जो कंटेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रहेगा उसको चार्ज करना, मतलब है कोक दिया। अभी आयरन वोर में कोक में जो गैंग कंटेंट रहेगा वो गैंग कंटेंट है रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के लिए हीट चाहिए, उसी का साथ है अपना बटन प्रिपेयर करके पनेस में चार्ज करेगा। उसमें इन्वॉल्वमेंट है कोक बेस है, मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में आपको दिया। अभी इसमें ये प्रोसेस का अनुसार है अभी फ्लक्स भी चार्ज करना है। अभी फ्लक्स चार्ज किया, फ्लक्स का साथ है अभी एसिडिक फ्लक्स रहेगा बेसिक फ्लक्स रहेगा। अभी अपना न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना अगर रॉ मटेरियल में एसिडिक फ्लक्स ज़्यादा है उसको न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, बेसिक फ्लक्स है ऐड करना, मतलब बटन प्रिपरेशन करके अपना ये पढ़ने में मटेरियल चार्ज करना। मतलब ये चार्ज करने टाइम में टेम्परेचर रहेगा 150-250 है। मतलब ये जोन में कितना कितना टेम्परेचर रहना है उसी का साथ है जो रिएक्शंस होता है क्या क्या रिएक्शन होता है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अभी देखिए कोक में कार्बन इनपुट तो रहेगा, वो फ्लक्स में जो एसिडिक फ्लक्स है, एसिडिक फ्लक्स मतलब है SiO2 Al2O3। बेसिक फ्लक्स मतलब है अपना लाइमस्टोन में CaO रहेगा। डोलोमाइट में केमिकल फार्मूला क्या है CaCO3 MgCO3, उसमें MgO रहेगा। ये चार कंपाउंड हो गया अपना फ्लक्स है, यही है। अभी जो कोक है कार्बन है जलने का बाद है VM में जलने का बाद है ऐश बनेगा। ऐश में कॉम्पोजिशन है आपको सबको पता है, ऐश कॉम्पोजिशन क्या है SiO2 48-52 रहेगा, Al2O3 है 22-25 रहेगा, CaO MgO दोनों रिमेनिंग रहेगा। इसका मतलब है कि
अब देखिए एसिडिक प्लक्स में SiO2 Al2O3, अभी ये दोनों 100% में आपको 75% रहेगा। बेसिक प्लक्स है जो रहेगा CaO MgO 25% रहेगा। इसका मतलब है कि हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करने टाइम में जो 48% है फाइनल स्लैग में मिलता है आपको 34-38 है। इसका मतलब है कि जो रिड्यूस हुआ केमिकल बैलेंस हो जाता है, उसी का साथ है आपको टेम्परेचर अनुसार है ये फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फाइनल प्रोडक्ट हमको रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है, Fe टोटल 92-95% मिलना है। रिमेनिंग जो 5% रहेगा स्लैग परसेंट है, ये मतलब है अपना टोटल है। इसमें हार्ट मेटल में जो कार्बन रहेगा 3.8-4.2% है, जो सिलिकॉन रहेगा 0.6-0.8% है, जो मैंगनीज रहेगा 0.2% है, जो सल्फर रहेगा 0.02% है, फास्फोरस रहेगा 0.15% है। ये मैक्सिमम 5-6% रहेगा, मतलब है 100-6 है 94 है फाइनल Fe टोटल आपको रहेगा। ये मतलब है इनपुट चार्ज रॉ मटेरियल है, आउटपुट पिग आयरन का रिलेशन में ये प्रोसेस में चलता है। हम लोग है जो आयरन ओर में 55% है Fe टोटल फर्नेस में चार्ज किया 55-58% है। ये 55-58 मतलब है 62-65% का जो चार्ज किया ये हायर प्रोडक्टिविटी है आपको फर्नेस में गेन करेगा। मतलब 62-65 Fe टोटल का अनुसार है ऑक्सीजन उसमें रहेगा, मैं पहले वीडियो में आपको समझाया कितना रहेगा 28% है आपको ऑक्सीजन रहेगा। इसको एफिशिएंसी मतलब 95% रहेगा, 26.12 है रिडक्शन होके 1.8 है Fe रूप में ऐसी रहेगा। ये सब मैं पहले वीडियो आपको समझाया। अभी फाइनल है, अभी ये 100% रिडक्शन होने के बाद है 92-95% है आपको फाइनल मिला है। ये 92-95 में मिलने के लिए फर्नेस प्रोसेस है, टेम्परेचर प्रोफाइल है कैसा मेंटेन करना, सबको डाउट तो आएगा, वही डाउट है क्लैरिफाई करने के लिए मैं अपना ये सेंटेंस लेके आया, उसी के साथ है अपना एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे, देखते रहेगा। देखिए आयरन ओर चार्ज किया, आयरन ओर का केमिकल फॉर्मूला क्या है Fe2O3, Fe2O3 है, देखिए Fe2O3 है केमिकल फॉर्मूला यही है, ये Fe2O3 है पन्नेस में चार्ज किया। फर्नेस में चार्ज करने के बाद है 750 टेम्परेचर जैसा अपना ये कोक चार्ज कर रहा है, यहां से आर्ट प्लस टेम्परेचर है 1150-1200 अप दिया, ये 1200 डिग्री के साथ है 2200 है रैफ्ट फर्नेस में मेंटेन होगा। रैफ्ट का फॉर्मूला इसका मीनिंग क्या है, रेशियो एरोबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, रेशवे एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। मतलब है अभी आर्ट ब्लश टेम्परेचर के साथ है कोल्ड प्ले विंडो वॉल्यूम में कितना मेंटेन करता है फर्नेस का वॉल्यूम के साथ है 80,000 अगर फर्नेस में विंड दे रहे हैं। ये विंड इंजेक्ट करने से अपना यहाँ फ्लेम ऑक्युपाइड होगा,
कितना टेम्परेचर मेंटेन होगा? 2200 है। कैसा मेंटेन होगा? मैं फार्मूला ऑलरेडी मैं आपको दिया है, उसको देखिए। आपको राफ्ट फार्मूला के साथ है, आपको राफ्ट 2200 टेम्परेचर कैसा मेंटेन होता है आपको पता चली जाएगा। अभी इसमें 2200 टेम्परेचर यहाँ ये रहने से ये अल्यूमिना टेम्परेचर से ज्यादा रहना। क्यों रहना है? अल्यूमिना टेम्परेचर मतलब है एसिडिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है 1810 टेम्परेचर आपको रहेगा। मतलब 1800 से ये वो 2200 टेम्परेचर मेंटेन करने से अपना जोन से मेंटेन होगा। जोन्स मतलब कितना जोन्स रहेगा? 5 जोन्स रहेगा। नंबर 1 है फ्री हीटिंग जोन, नंबर 2 है लैंडलॉर्ड जोन, नंबर 3 है कोहेसिव जोन, नंबर 3 है रेशवे जोन है। डेडमैन जोन मतलब है जो कोक है कंज्यूम होने का बाद है लास्ट में जो बचेगा डेडमैन जोन में आके डेड जैसा रहेगा। मतलब है 1810 से एबो 1810 डिग्री सेंटीग्रेड है डेडमैन जोन बनता है। उसके बाद है 2200 टेम्परेचर से 1500 मतलब है जो डेडमैन जोन होने के बाद है कोक पूरा कंज्यूम होने के बाद है अल्यूमिना इंडोथर्मिक रिएक्शन का थ्रू है टेम्परेचर घट जाता है। उसी के साथ है 1500 टेम्परेचर मिलेगा टैप होल से 1500 टेम्परेचर का हार्ट मेटल बाहर निकलेगा। इसका साथ है अपना हार्ट मेटल है स्लैग टेम्परेचर से 50 डिग्री कम रहेगा। अभी इसमें अभी यहाँ देखिए ये जोन्स टेम्परेचर का साथ है ये जोन्स मेंटेन होगा। जोन्स का साथ है अपना ये प्रोसेस चल के लास्ट में फाइनल है एफिशिएंट प्रोडक्ट है 3.68 टन पर क्यूबिक मीटर है। 1 क्यूबिक मीटर में 3.68 टन मेंटेन होगा। जब मेंटेन होगा 1150 डिग्री सेंटीग्रेड 1200 एचबीटी है हाईएस्ट एचबीटी पनेस में मिलने पर ये सब कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। इसीलिए मेन है हम लोग जो मेंटेन करता है कस्टमर रिक्वायरमेंट है। अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट है हम लोग यहाँ मेंटेन कर नहीं पा रहा मतलब प्रोसेस एफिशिएंसी नहीं रहेगा। इसीलिए जो भी काम है प्रोसेस एफिशिएंसी बढ़ाना। कैसा बढ़ेगा? अपना पैरामीटर से अंडर कंट्रोल रहेगा। अंडर कंट्रोल रहने के लिए अपना जो प्रोसेस करना है पैरामीटर से पढ़ना है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करते जाने से आपको जो चीज मिलना है वो चीज आपको मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें Fe2O3 है। केमिकल फार्मूला क्या है? Fe2O3 है। आयरन ओर का केमिकल फार्मूला Fe2O3 है। Fe2O3 750 डिग्री से Fe3O4 बनेगा। Fe3O4 मतलब मैग्नेटाइट स्ट्रक्चर है। मैग्नेटाइट स्ट्रक्चर मतलब है FeO Fe2O3 ये दोनों हो गया Fe3O4 है। ये 850 टेम्परेचर का पास है अभी ये पेजेस फॉर्मेशन होगा। इसमें 850 डिग्री से 980 टेम्परेचर जब रीच होगा Fe2O3 बाईपास हो जाता है। Fe2O3 बाईपास होने का बाद है जो FeO बचेगा ये FeO है इधर रहेगा। मतलब 980 टेम्परेचर का पास है आपको FeO रहेगा। ये 980 के पास FeO स्ट्रक्चर है उसका केमिकल फार्मूला है उसेट स्ट्रक्चर है। मतलब उसेट स्ट्रक्चर का केमिकल फार्मूला है FeO। मतलब ये 980 डिग्री से 1080 जैसा होगा Fe मेटालिक आपको बनेगा। Fe मेटालिक है 1080 डिग्री सेंटीग्रेड के पास Fe मेटालिक बनेगा। ये 1080 से अपना 1410 टेम्परेचर जो सिलिका मेल्टिंग पॉइंट है आपको 1410 टेम्परेचर है। 1080 टू 1410 बीच में जो अपना इनडायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज है अगर कम होगा डायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज बढ़ गया। मतलब डायरेक्ट रिडक्शन का रिएक्शंस है और अपना यहाँ सिलिका का जो कोहेसिव जोन रिएक्शन होता है वो सब है
1080 1410 बीच में ये प्रोसेस होता है। इसीलिए ये देखिए जो जोन में प्रोसेस होना है वही प्रोसेस होना है, जो प्रोडक्ट मिलना है वही प्रोडक्ट वो जोन में मिलेगा। अगर प्रोडक्ट है दूसरा जोन में मिल रहा है, मतलब जोन शिपिंग हो रहा है, हम लोग हैं पढ़ने से रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। रेगुलर मॉनिटरिंग क्यों करना है, इसीलिए अपना जो जोन में आपको प्रोडक्ट मिलना है वही प्रोडक्ट है हम लोग मेंटेन करने का आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रेगुलर मॉनिटरिंग करके पर्नेस को जो जोन से जिस जोन में रहना है वही जोन में मेंटेन करना है। मतलब है रेफरेंस है, व्हाट इज रेफरेंस है, मतलब टेम्परेचर है। जहां टेम्परेचर आपको प्रॉपर मिल रहा है मतलब उसका पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब है 750 है, इसका मतलब ये क्या है, Fe2O3 है, Fe2O3 पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि 850 जैसा टेम्परेचर वहां मेंटेन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, Fe2O3 से Fe3O4 आपको 100% पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, 850 से 980 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, Fe2O3 है, Fe2O3 बाईपास होके Fe980 टेम्परेचर का पास आपको पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। 980 से 1080 टेम्परेचर जैसा मिला है, इसका मतलब ये क्या है, Fe मेटालिक का रूप में मतलब पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, Fe मेटालिक आ गया। ये Fe मेटालिक है 750 टू 1080 है, इनडायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज है। इसका मतलब है कि पहले वीडियो में मैं आपको समझाया 85% है, मतलब डायरेक्ट रिडक्शन है 15% है। इसका मैं दिखाता है, ये देखिए FeO प्लस CO, Fe मेटालिक प्लस CO2, मतलब ये रिएक्शन सब है ये 1080 का अंदर है। मतलब 1080 का अंदर है 85% है, आपको ये परसेंटेज हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ मतलब है जोन शिपिंग हो रहा है, जोन शिपिंग नहीं होना चाहिए। अपना रेगुलर मॉनिटरिंग कर टू अपना पर्नेस को प्रोटेक्ट करना। अभी 15% है, इससे 85 से 65 हुआ, ये 15 से 20 बढ़ा के 35 हुआ। इसका मतलब ये क्या, जोन शिफ्टिंग हो गया। मतलब अभी टेम्परेचर है और चेंज हो रहा, मतलब है आप क्या कर रहे हैं, जोन शिफ्टिंग कर रहे हैं। जोन शिपिंग नहीं करना चाहिए। कभी कभी है फर्नेस में जो चार्ज कर रहा है वो चार्ज में मिस बटन होगा, नहीं तो दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा। ये प्रॉब्लम हो रहा मतलब है क्या, जोन शिफ्टिंग हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम होने से भी है जोन शिपिंग नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो जो करना है वो काम करना है, वो काम करने के लिए अपना पास है होल्डिंग का पैरामीटर्स रहना चाहिए। अगर वो पैरामीटर्स रहने से पढ़ने से रेगुलर कंडीशन में चलेगा। अगर होल्डिंग पैरामीटर्स नहीं है मतलब पढ़ने से इरेगुलर कंडीशन में जाएगा। पढ़ने से कंट्रोल करने के लिए टाइम लगता है, पढ़ने से आउट हो जाता है। पढ़ने से जो हार्ट कंडीशन है कोल्ड कंडीशन में जाएगा, जो कोल्ड कंडीशन है हार्ट कंडीशन में जाएगा। पढ़ने से इरेगुलर पैरामीटर्स है अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए एवरी मिनट है, एवरी आवर है, एवरी डे रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। रेगुलर मॉनिटरिंग करने से आपको पर्नेस बचाएगा, अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है हम लोग गेन करेंगे। अभी ऐसा बोलते जाएगा तो बहुत कुछ लंबा कहानी बना सकता है, हमको लंबा कहानी नहीं है। मैक्सिमम प्रोडक्शन निकलना है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकलना है। मतलब है पर्नेस में जो हार्ट मेटल मेंटेन का परसेंटेज है उसी का साथ है चार्ज डालना है, उसी का साथ है जो कन्वर्शन का प्रोसेस का साथ है जो रिएक्शन बन रहा है वो रिएक्शन सब हो जाना चाहिए। होने के बाद है अपना पर्टिकुलर टेम्परेचर का पास है टैप होल से मेटल 3.68 टन पर क्यूबिक मीटर प्रोडक्टिविटी निकलना, ठीक है। अभी इसमें 1080 1410 है, टेम्परेचर के बीच में बात करना है। मतलब है इसीलिए मैं जोन्स का रिलेशन में अपना लैंग्वेज का थ्रू लेके आया, देखिएगा।
नंबर वन है फ्रीटिंग जोन है। फ्रीटिंग जोन में टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 to 400 मतलब है मॉइस्चर जो रॉ मेटेरियल में मॉइस्चर रहता है हाइड्रोजन का केमिकल हाइड्रोकार्बन जो भी है जो हाइड्रोजन के रिलेटेड है केमिकल फार्मूला जो रहेगा वो सब है एस्केपिंग हो जाता है रॉ मेटेरियल में। मतलब है ये कितना टेम्परेचर में होता है? 0 to room temperature to 400 degree centigrade टेम्परेचर है। इसमें फ्रीटिंग जोन में ये मॉइस्चर एक्सपेल हो जाता है। सेकंड है ग्रैनुलर जोन। ग्रैनुलर जोन मतलब है 400 to 1100 मतलब है इधर देखिए 0 to 400 टेम्परेचर मतलब है यहाँ आपको फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है 750 है। मतलब बिलो 750 में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर रहने से जोन्स शिफ्टिंग हो जाते हैं, जोन्स शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग है 400 टू 1100 टेम्परेचर है जो मेंटेन होता है ग्रैनुलर जोन है। ग्रैनुलर जोन मतलब है अभी जो थ्रोट से मटेरियल चार्ज किया, जहां से मटेरियल चार्ज किया वहां से लेके जो बोस जोन टॉप में, जो बोस जोन में टॉप में बिल्ली रहेगा, बिल्ली है जो टॉप पोजीशन का बिल्ली है, इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये बीच में आपको स्टैक रहेगा। ये स्टैक थ्रू आउट स्टैक में ग्रैनुलर जोन है मेंटेन होता है। कितना टेम्परेचर में मेंटेन होता है? 400 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब है जहां टेम्परेचर मेंटेन हुआ 400 टू 1100 टेम्परेचर है, जहां लेंथ रहेगा उतना लेंथ में ग्रैनुलर जोन है रहेगा। अगर ग्रैनुलर जोन ज्यादा है मतलब है कोक रेट है कम रहेगा। ग्रैनुलर जोन कम है इसका मतलब है कि कोक रेट बढ़ेगा। मतलब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये थ्रोट है, ये अपना ट्यूयर है, ट्यूयर से जैसा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने से क्या होगा, अपना यहाँ का नीचे लिक्विड लेवल का ऊपर आ जाता है। ऊपर आने से अपना नीचे है हायर टेम्परेचर रहेगा। हायर टेम्परेचर मतलब है हायर टेम्परेचर का जोन से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड हो रहा है, जो रिडक्शन जोन का कम स्पेस हो रहा है। इसका मतलब है कि कोक रेट ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा कार्बन अंदर जा रहा है, ज्यादा कार्बन अंदर जाने से कोक रेट बढ़ेगा। इसीलिए अपना कोक रेट कम करना, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है हम लोग मेंटेन करना। इसके लिए हम लोग क्या करना है, ग्रैनुलर जोन में जो 85% इनडायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज मेंटेन करना है, वो लेवल का अनुसार है वो परसेंटेज है मेंटेन करना। जो 15% से 35 जो परसेंटेज बढ़ रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। ये प्रोटेक्ट करने से अपना ये पर्नेस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कम कोक रेट में पर्नेस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। अभी इसमें थर्ड पॉइंट है अपना ये 1100 टू 1400 है जो जोन है कोइसु जोन है। ये कोइसु जोन मतलब है अपना आयरन एटम्स है जो 1080 टेम्परेचर है मेटालिक आ गया। मेटालिक आने के बाद है अपना सिलिका है अपना SiO2 प्लस 2C Si प्लस 2CO ये रिएक्शन जो बन रहे हैं अपना 1080 टू 1410 बीच में ये रिएक्शन बनेगा। रिएक्शन है ये 2CO है थर्मल फैक्टर में CO by CO2 फैक्टर में जाएगा, उसके बाद है एटा CO2 फैक्टर में ये गैसेस ट्रांसफॉर्मेशन के अपना एफिशिएंसी परसेंटेज है 38 to 42 जो एटा CO2 मेंटेन होता है वो परसेंटेज मेंटेन होगा। ये भी ध्यान रखना है एटा CO2 भी मेंटेन करना 38 to 42। ये टेम्परेचर मेंटेन करते करते एटा CO2 भी 38 to 42 परसेंटेज है आपको मेंटेन करने से अपना पर्नेस प्रोडक्टिविटी ये बढ़ेगा। ये पैरामीटर्स हैं, इसीलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, जो जरूरत है वही टेम्परेचर है मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा। देखिए हार्ट मेटल टेम्परेचर है 1450 टू 1500 टेम्परेचर मेंटेन करना। स्लैग टेम्परेचर है
50 डिग्री है एटमेटल टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा। स्लैग वॉल्यूम में 350 टू 380 केजी टन ऑफ एटमेटल मेंटेन करना है। 350 380 केजी मेंटेन करने से अपना फर्नेस प्रोडक्टिविटी है 3.68 हम लोग गेनिंग कर सकते हैं। इसमें FeO स्लैग में FeO है 0.6% रहेगा। मतलब है अभी देखिए स्लैग वॉल्यूम में डिपेंडिंग ऑन कोक ऐश है, कोक ऐश में जो सिलिका अल्यूमिना परसेंटेज है ज़्यादा रहेगा। अगर आ रॉ मटेरियल में कोक में ऐश कंटेंट ज़्यादा है, ऐश कंटेंट ज़्यादा मतलब है ये इधर है ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर करने से स्लैग वॉल्यूम बढ़ेगा, स्लैग वॉल्यूम बढ़ने से उसको रिड्यूस करने के लिए जो एसिडिक कंपाउंड बेसिक कंपाउंड है जो अभी देखिए एक ही चीज याद रखना है, स्लैग वॉल्यूम बढ़ रहा मतलब ये क्या है उसमें केमिकल कंपाउंड है परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, मतलब उसको कम रहने से स्लैग वॉल्यूम कम रहेगा, उसको ज़्यादा रहने से वो स्लैग वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। अगर स्लैग वॉल्यूम ज़्यादा रहने से फर्नेस प्रोडक्टिविटी घटेगा, जितना स्लैग वॉल्यूम में कम मेंटेन करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है हम लोग 1 टन आर्ट मेटल बाहर निकालना, ठीक है। ये सब चीज़ें अपना मेंटेन करने के लिए यही तरीका है। ऐसे बोलते जाएगा तो बहुत कुछ लंबा स्टोरी बना सकते हैं, लंबा स्टोरी नहीं बनाना। अभी देखिए 1410 टू 2200 टेम्परेचर है, मतलब रेशवे जोन है। यही जोन में कोक है पूरा डेड हो जाता है, मतलब है 2200 टेम्परेचर मेंटेन कर रहा, मतलब है अपना 8+ टेम्परेचर है राफ्ट का थ्रू है 2200 टेम्परेचर मेंटेन होगा, 2200 टेम्परेचर के पास कोक डेड होगा, कोक डेड होने के बाद है अपना डेड होते टाइम में अपना हार्ट मेटल टेम्परेचर है 1500 के पास आ जाएगा, मतलब स्लैग टेम्परेचर 1550 रहेगा। ये 2200 टू 1500 है, मतलब यहाँ से टेम्परेचर है 1410 टू मतलब है इंक्रीज टर्न में, यहाँ आने के बाद है डिक्रीज टर्न में, मतलब है ये सिलिका अल्यूमिना ये जो मिल्टिंग पॉइंट है ये रिएक्शंस है एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ये देखिए ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस सब है अपना बोश हाथ में, मतलब इंटरमीडिएट जोन में यहाँ रिएक्शंस होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब है कोक कंज्यूम ज़्यादा होगा, कोक कंज्यूम मतलब है फाइनल में जो प्रॉक्सिमेट में कोक में वॉल्टाइल मैटर रहेगा कितना परसेंट रहेगा 1% है। अभी फिक्स्ड कार्बन रहेगा 84 to 87 है, अभी ऐश रहेगा 12 to 14, मतलब इसका रिलेशन का साथ 100% में जो ये रहेगा। अभी फिक्स्ड का VM फिक्स्ड कार्बन ये जलने का बाद है इग्नेट होने का बाद है जो प्रोडक्ट बचेगा ऐश है, वो ऐश में कॉम्पोजिशन रहेगा एसिडिक बेसिक, एसिडिक में ये 75% रहेगा SaO2 L2O3, बेसिक रहेगा CaO MgO, रिमाइनिंग मतलब 25% रहेगा CaO MgO। ये न्यूट्रलाइज करने टाइम में CaO/SaO2 न्यूट्रलाइज करने टाइम में मटेरियल ट्रांसफर होके आपको B2 मेंटेन होगा स्लैग B2 अभी 1% है, मतलब 50% है एसिडिक जो कंपाउंड रहना है वो रहेगा, जो बेसिक रहना है वो बेसिक उसमें रहेगा। अभी देखिए ये सब है ये प्रोसेस का रॉ मटेरियल है, भरने से 1 टन आर्ट मेटल निकलने के लिए जो अपना ये पैरामीटर्स मेंटेन करना है यही पैरामीटर्स मेंटेन होता है। लेकिन अभी 1 टन आर्ट मेटल निकलने के लिए उतना आसान नहीं है, सबका मतलब है केमिकल बैलेंस करना है। केमिकल बैलेंस कब होगा, अपना सिस्टमेटिक जो पैरामीटर्स मेंटेन करना है वो पैरामीटर्स है फर्नेस को अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद है अपना जो पैरामीटर्स है जो टाइम में होना है दैट इज जोन शिफ्टिंग, मतलब जो टाइम में होना था जोन्स है प्रॉपर जोन्स मेंटेन हो रहा है, जो टाइम में क्रॉस हो गया मतलब है जोन्स शिफ्टिंग होगा, वो जोन शिफ्टिंग होने के बाद है आप कुछ कर नहीं पाएगा, मतलब पढ़ने से प्रोडक्टिविटी है
लॉस हो जाता है, मतलब एफिशिएंसी घट जाता है। ये रेगुलर मॉनिटरिंग करके फर्नेस को लो कोक रेट में हाई प्रोडक्टिविटी हम लोग हैं प्रोडक्ट ब्लास्ट फर्नेस से गेन करना, अपना टारगेट यही है। और एक बार देख लेते हैं, एक बार है पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, इतना एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे अभी, लेकिन जो प्रोसेस है पहले में आपको समझाया वही पॉइंट से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। जो पॉइंट सेंटेंस बता रहे उसी के रिलेशन में सोचिए। अभी ग्रैनुलर जो ब्रीडिंग जोन रिलेशन में मैं समझा रहा हूं, आप हार्थ जोन का रिलेशन मत सोचिए। ऐसा सोचने से अपना यहाँ है ब्लास्ट फर्नेस का जो टॉपिक है बिल्कुल समझ नहीं पाएगा। ब्लास्ट फर्नेस का नॉलेज है कभी भी है एक इंटरलॉक सिस्टम जैसा है, मतलब एक पॉइंट का वन का बाद है सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यही है। वन पाथ रूट में वन का बारे में ही सोचना, टू टू का, थ्री थ्री का, ऐसी है। मतलब है अभी देखिए हम लोग आयरन रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में क्या आयरन ओर है, कोक है, फ्लक्सेस है। फ्लक्सेस मतलब आयरन ओर कोक में जो गैंग कंटेंट रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करके अपना स्लैग बनेगा, स्लैग के थ्रू एस्ट प्रोडक्ट बाहर जाएगा। अभी देखिए Fe2O3 है, आयरन ओर चार्ज किया, Fe2O3 फर्नेस में गया, ये 750 टेम्परेचर से Fe2O3 बन गए, ये यहाँ 2200 से गैसेस ऊपर गए, ऊपर जाने से अपना बटन नीचे आ गया। ये प्रोसेस को बोला जाता है काउंटर करंट रिएक्टर प्रोसेस, सबको पता है। अभी ये काउंटर करंट रिएक्टर का प्रोसेस का थ्रू है परमेबिलिटी है, मतलब बटन परमेबिलिटी, मतलब परमेबिलिटी मतलब क्या है, पासिंग एबिलिटी, मतलब बटन नीचे आना है गैसेस ऊपर जाना है, बटन नीचे आके गैसेस ऊपर जाने का जो पाथिंग है बोला जाता है काउंटर करंट रिएक्टर प्रोसेस, मतलब उसका थ्रू है फर्नेस प्रोडक्टिविटी अपना बढ़ते जाएगा। जितना गैसेस परमेबिलिटी रहेगा बटन परमेबिलिटी सेम लेवल होना चाहिए, मतलब बटन जैसा नीचे आ रहा है नीचे से गैसेस ऊपर जा रहे हैं, मतलब सेम ट्रैवलिंग होना चाहिए। अगर मिसमैच हो गया मतलब बटन ऐसा गिरना है, अभी कोक मूवमेंट है नहीं तो जो भी है आयरन रॉ मटेरियल है ऐसा गिरना है, ऐसा अर्जेंट हो गया, मतलब इसका मतलब है कि फर्नेस इरेगुलर कंडीशन में जाएगा। मतलब कभी भी है जो रॉ मटेरियल है वर्टिकल कंडीशन में आना चाहिए, ऐसा आने से गैसेस परमेबिलिटी है ईजिली एस्केपिंग होगा, अपना Fe2O3 है कम टाइम में ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर है कम टाइम में बनेगा, ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर है कम टाइम में बनेगा, मतलब टोटली है एंटायर प्रोसेस में फर्नेस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। देखिए 750, 850, 980 में Fe बनेगा, 1080 में Fe मेटालिक बनेगा, इनडायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस में 85% मेंटेन होगा, 15% डायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज मेंटेन होगा, ये मेंटेन होने से अपना फर्नेस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इन केस है फर्नेस है किसी कारण से अपना जोन शिपिंग हुआ, मतलब है ये परसेंटेज चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, अपना रॉ मटेरियल है जो टाइम में डालना वो टाइम में डाल नहीं पाया, मतलब है 65% अपना ये इनडायरेक्ट रिडक्शन है घट गया, जो घटाया परसेंटेज है डायरेक्ट रिडक्शन बढ़ जाता है, मतलब ये बोश में ये होता है, ये हो गया। अभी फ्रीडिंग जोन है, टेम्परेचर क्या है 0 to 400 degrees centigrade है, ग्रैनुलर जोन का ये टेम्परेचर प्रोफाइल क्या है 400 to 1100 है, 1100 to 1410 है कोहेसिव जोन, आयरन आइटम्स जो आयरन आइटम्स हैं फ्यूज होना है वो फ्यूज होता है, उसके बाद है इनडायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज है जो 85 से 65 मतलब कम हुआ, इसका मतलब है कि कोहेसिव जोन में आयरन आइटम्स हैं, जो Fe रिडक्शन नहीं हुआ, अनरिड्यूसिबल Fe है, यहाँ एक्स्ट्रा कार्बन का साथ है अपना ये कोक रेट बढ़ेगा, मतलब है यही रिएक्शन है, ये रिएक्शन है अपना कोहेसिव जोन में होता है, मैक्सिमम कोहेसिव जोन में ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ये कोहेसिव जोन मतलब ऐसी है, ये कोहेसिव जोन है, ये देखिए ये लिक्विड है,
ये सॉलिड सॉलिड का लिक्विड का इंटरमीडिएट जो हुआ, ये इनडायरेक्ट रिडक्शन है डायरेक्ट रिडक्शन दोनों ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं हुआ इसका मतलब है कि जोन शिपिंग हो जाएगा। जोन शिपिंग का साथ है अपना जो प्रोसेस है एंटायर प्रोसेस है मतलब चेंज हो जाता है। रेशवे जोन में डेडमैन जोन में 1410 टू 2200 डिग्री, हर्थ जोन में 2200 से जैसा अल्यूमिना टेम्परेचर है मेल्ट हो रहा है या एंडोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू है टेम्परेचर कम होके ये बनेगा। मतलब इसका साथ है इतना टेम्परेचर आपको आर्ट मेटल टेम्परेचर बनेगा। मतलब है ये रिएक्शन होने के लिए यहाँ देखिए स्टार्टिंग है जो CO बनेगा सी प्लस सी ओ टू टू सी ओ एफ यू टू ओ थ्री प्लस सी ओ एफ यू टू ओ फोर प्लस सी ओ टू एफ यू थ्री ओ फोर प्लस सी ओ एफ यू ओ प्लस सी ओ टू एफ यू ओ प्लस सी ओ एफ यू मेटालिक प्लस सी ओ टू सी ए सी ओ थ्री सी ए ओ प्लस सी ओ टू ये सब है इनडायरेक्ट रिडक्शन डायरेक्ट रिडक्शन जोन में जो जो ग्रैनुलर जोन में ये रिएक्शन होता है। उसके बाद है जो ये रिएक्शन होता है अपना सेमी लिक्विड है, सेमी लिक्विड से अपना हार्थो जोन तक है यहाँ टू ईयर लेवल है। मतलब बोस जोन से टू ईयर लेवल बीच में ये रिएक्शन सब होता है। ये रिएक्शन सब है एंडोडर्मिक रिएक्शन अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि कोक रेट बढ़ेगा। एक्सोडर्मिक रिएक्शन ज्यादा हो रहा मतलब ग्रैनुलर जोन में इनडायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज बढ़ते जाएगा, यही रेफरेंस है। मतलब इनडायरेक्ट रिडक्शन परसेंटेज ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, यही है हम लोग क्लैरिफाई लेना चाहिए। अभी देखिए SiO2 plus 2Ca Si plus 2CO ये सिलिकॉन है हार्ट मेटल में पेनेट्रेट होगा कितना परसेंट है 0.6 टू 0.8 है। अगर सिलिकॉन परसेंटेज ज्यादा है मतलब Fe टोटल है ये घटेगा। अगर Fe टोटल है बढ़ाना है, बढ़ाना के लिए बेसिक जो बेसिक ग्रेड मेंटेन करता है उसमें Fe टोटल ज्यादा आ जाएगा। मतलब बेसिक ग्रेड में सिलिकॉन कम परसेंट रहेगा, फाउंड्री ग्रेड में सिलिकॉन परसेंटेज है ज्यादा रहेगा। जितना परसेंट ज्यादा रहेगा उतना Fe है कम, Fe टोटल कम होगा। इसका मतलब कस्टमर रिक्वायरमेंट है। अगर बेसिक ग्रेड में सिलिकॉन है आपको 0.4 मेंटेन कर रहा है मतलब और Fe कंटेंट है बनने के चांसेस रहेगा। देखिए MnO plus C Mn plus CO Fe2O5 plus 5C 2P plus 5CO ये सब रिएक्शंस है। 2C plus O2 gives 2CO यही है मेन आपको CO गैस इसमें पेनेट्रेट करेगा, यही गैस है 2CO। ये बाउंड्री रिएक्शन प्रोडक्ट है, सॉल्यूशन लास्ट रिएक्शंस है, बाउंड्री रिएक्शंस है, ये सब है अपना ये टू ईयर का सराउंडिंग्स में चलेगा। ये 2CO है पेनेट्रेट होके अपना पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जितना ये गैसेस बनेगा उतना अपना ये टेम्परेचर है इन टाइम में अभी पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो जोन्स शिपिंग होना है इक्वल डिस्टेंस में ये सब जोन्स शिपिंग होगा। इसका मतलब है कि ये 2CO है परफेक्ट मेंटेन होना चाहिए। अभी देखिए H2O मतलब वाटर है, वाटर के साथ है कार्बन मिलने से H2 plus CO बनेगा। H2 plus CO जो बन रहा है इसका मतलब ये क्या वाटर गैस बनने में, अगर वाटर गैस है ज्यादा बन रहा है मतलब टॉप गैस में जो कंपाउंड रहेगा अपना गैसेस का एनालिसिस में CO अपना ये रहेगा 18 टू 22 है, जो CO2 रहेगा 14 टू 18 है, जो O2 रहेगा 0.8% है, जो H2 रहेगा अपना ये 1.2% है, CH4 रहेगा 0.8%। मतलब है ये रिलेशन में आपको ये सब गैसेस हैं ये रहेगा, ये गैसेस सब है बैलेंस हो जाता है। अभी इसमें देखिए वाटर गैस मतलब है H2 plus CO, इसमें CO plus N2 गैस जो बनेगा इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस अगर CO के साथ है N2
मिलेगा, मतलब बॉन्डिंग हो गया, प्रोड्यूसर गैस बनेगा। ये प्रोड्यूसर गैस है, नुकसान करता है कि नहीं है, अपना प्रोसेस एबिलिटी ऊपर है, मतलब डिपेंड होता है, मतलब प्रोसेस जैसा प्रोसेस मेंटेन हो रहा है गैस के चलते प्रोसेस चेंज होता है। मेन है गैसेस लेवल है, जो गैसेस परसेंटेज मेंटेन करना वो परसेंटेज के साथ है अपना पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मतलब है अपना ये पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन है, अभी प्रॉपर पेजेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं है, मतलब कैसे पता चलेगा, यही रेफरेंस है। जो गैसेस यहाँ रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन मतलब कितना टेम्परेचर में होता है उतना टेम्परेचर में ये गैसेस बनेगा, ये गैसेस का साथ है अपना ये होगा। अभी देखिए CO बाई CO2 अपना 1.2 मेंटेन हो रहा है कि 1.4% मेंटेन हो रहा है, इसको हम लोग देखना है। क्यों देखना है, अभी देखिए ये टोटल CO डिवाइडेड बाई टोटल CO2 वो मेंटेन करने से ये फैक्टर आ गया। इसका मतलब है कि गैसेस अभी इतना CO2 परसेंटेज है, मतलब एफिशिएंसी CO है, एफिशिएंसी CO है जितना परसेंट मेंटेन हो रहा है, डिफरेंस है ये टोटल CO टोटल CO2। इसीलिए ये रिएक्शन में अभी देखिए ये रिएक्शन में CO परसेंट निकला, ये रिएक्शन में CO2 ये रिएक्शन में CO, ये रिएक्शन में CO CO2, मतलब है ये टोटल CO डिवाइडेड बाय टोटल CO2, ये फैक्टर आ गया आपको यही है। मतलब है 1.4 में इतना परसेंटेज CO मेंटेन हो रहा है, 1.2 में इतना परसेंट CO2 मेंटेन हो रहा है, जस्ट रेफरेंस करने के लिए यही है। देखिए ये रिएक्शन सब है अपना प्रॉपर जोन्स में ये मेंटेन होने से अपना हार्ट मेटल टेम्परेचर है इतना टेम्परेचर में मेंटेन होगा, कस्टमर रिक्वायरमेंट के साथ है, अभी ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गेन कर सकता है कम कोक रेट में। इसीलिए कभी भी है आप एक ही चीज देखना है, अभी चार्ज किया, चार्ज करने के बाद है टेम्परेचर है प्रॉपर जोन्स में ये टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है कि नहीं है, रेगुलर मॉनिटरिंग यही करना। इसीलिए चार्ज किया, ये चार्ज करने के बाद है हम लोग टैप होल से ओपन अभी पर डे है 12-15 कैस्टिंग जो कर रहा है, वो कैस्टिंग में एवरी कैस्टिंग में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो रॉ मटेरियल है, कौन सा चार्ज वो प्रोडक्ट है इसमें आ रहा है, ये रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। सपोज है अभी मैं यहाँ चार्ज किया, यहाँ आने में अभी सपोज है 33 चार्ज इधर आ रहा है, 33 चार्ज इधर आ रहा मतलब है अपना उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, एक चार्ज में जो केमिकल कॉम्पोजिशन गया, 33 चार्ज में जो यहाँ आउटपुट हो रहा है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, अपना हार्ट मेटल केमिकल कॉम्पोजिशन स्लैग केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये दोनों रेफरेंस होगा वो चार्ज है अपना वो सेंट्रम में जो आयरन ओर में रॉ मेटेरियल में केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो रॉ मेटेरियल में केमिकल कॉम्पोजिशन है यहाँ चार्ज किया यहाँ आउटपुट आया, ये बीच में जो डिफरेंस है दैट इज प्रोसेस एबिलिटी है। मतलब है अपना ये प्रोसेस एबिलिटी है ये केमिकल वो बैलेंस कर रहा है, यहाँ दो चीज कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, केमिकल बैलेंस कर रहा है, हीट बैलेंस कर रहा है, मतलब हीट बैलेंस क्यों कर रहा है, फर्नेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मतलब है कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्ट निकालना, इसके लिए हीट बैलेंस करना है, मतलब है अपना इक्वल बैलेंस करना है। केमिकल बैलेंस क्यों करना है, जो रॉ मटेरियल चार्ज किया जो आउटपुट बाहर आया उसको केमिकल बैलेंस करना है, केमिकल बैलेंस अनबैलेंस होने से अपना जोन्स भी शिफ्ट हो जाता है, उसका साथ है प्रोडक्टिविटी घट जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है इसलिए केमिकल बैलेंस करना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में मैं केमिकल बैलेंस है हीट बैलेंस है दोनों का टॉपिक है अपना फार्मूला लेकर आते हैं। धन्यवाद।